हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कार्तिक शर्मा। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। सो आज है डे 3 मेरे कजन की वेडिंग का। सो टुडे इज 30th January। तो अभी आई जस्ट केम फ्रॉम स्कूल। एज आई सेड इन माय प्रीवियस व्लॉग्स कि आज था मेरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल, तो मैं रेडी हुआ, जल्दी से स्कूल गया, अच्छे से प्रैक्टिकल दिया, अच्छा गया प्रैक्टिकल काफ़ी। अब मैं जस्ट अभी स्कूल से घर आया हूँ एंड टाइम हो गया 12:46। तो जल्दी से शावर लेंगे, फिर चेंज करके निकलेंगे दादा दादी के घर के लिए। जाने में भी हमें 2:30 तो बज ही जाएगा वहाँ पहुँचते। तो चलो अब जल्दी जल्दी फटाफट काम करते हैं। एक चीज़ ऐड करनी थी, ऑडियंस रिटेंशन वगैरह सब बहुत अच्छी है, बट एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा करो। बहुत मोटिवेशन मिलती है, आप लोग वीडियोस देखते हो बिना लाइक करे चले जाते हो, तो अगर एक लाइक कर दोगे जल्दी से अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। फाइनली शावर लेके आई एम रेडी। अभी तो आई एम जस्ट वेयरिंग स्वेटशर्ट एंड स्वेट पैंट्स, और शादी का आउटफिट घर जाके चेंज करेंगे। तो अब जल्दी से निकलेंगे, काफ़ी लेट हो गया है। इट्स मोर देन 1:15 के अराउंड हो रहा है अभी। तो जल्दी से निकलते हैं, जो सामान कार में रखना है वो रखते हैं, देन भागना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट है। अभी ट्रैफिक भी मिलेगा क्योंकि कल बारिश हो रही है, तो बहुत जाम लग रहा है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा। भाई आधा सामान घर पे था, तो मेरा ड्रायर मम्मा वहीं भूल गई। अब मैं बाल तो बना नहीं सकता हूँ, प्रॉब्ली ख़राब हो जाएंगे, घर जाके एक और बार हेड वॉश करना पड़ेगा। अभी मैं जा रहा हूँ बेसमेंट में कार को पार्किंग से लिफ्ट के पास लाने के लिए, एंड तब तक मैं कार को थोड़ा क्लीन भी कर दूँगा। मॉम डैडी बस आ रहे हैं 5 मिनट में नीचे, तो तब तक मुझे 2 काम करने हैं। तो भाई फाइनली मैंने अपना सामान रख दिया कैमरे वगैरह का, अब मैं जा रहा हूँ कार को लेके लॉबी की तरफ। अरे यार, मैं जा रहा हूँ कार को लेके लॉबी की तरफ क्योंकि मॉम डैड अगर पहले नहीं जा गए तब तक वो लोग सामान रख लेंगे ना कार में, एंड फिर आई विल क्लीन। तब तक चलो आपसे मिलते हैं अब थोड़ी देर में। भाई कार क्लीन कर दिया है, बस मॉम डैड का वेट कर रहा हूँ, वो लोग आएंगे तो सामान रखेंगे एंड देन वील हेड होम। तो ऑब्वियसली मैं तो ड्राइव नहीं करने वाला, बट हाँ अम्मा करेंगे। अरे यार, तो फ़ोन करेंट कर दो ना कार में, तो पूरे टाइम नोटिफिकेशन की आवाज़ आती रहती है, म्यूट करना पड़ेगा पहले तो। बट ऑलरेडी 1:40 हो गया यार, मम्मी पापा अभी तक नीचे नहीं आए। मैंने 15 मिनट्स पहले उन्हें बोला था जब मैं घर से निकला था 5 मिनट में आ जाना, और मुझे 10 मिनट हो गए हैं आए हुए, आए नहीं अभी तक। फिर मैंने कार साफ़ कर दी, यहाँ पे पार्क करके बस वेट कर रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, बट इसमें नहीं डाल देता कॉपीराइट आ जाएगा। सो अभी हम लोगों ने आधा रास्ता कवर कर लिया और टाइम अराउंड 2:15 हो गए हैं, तो हम मोटा मोटा आधे घंटे 35 मिनट्स में घर पहुँच जाएंगे, एंड देन सबको करना होगा चेंज जल्दी जल्दी। और फर्क नहीं पड़ता भाई, मस्त गाने सुन रहे हो। मैं आपकी तरफ कैमरा टर्न कर रहा था, ध्यान ही नहीं दिया भाई। हाउ आर यू, हेलो हाय कुछ तो कर। हेलो गाइस, आज मॉर्निंग से तो कुछ ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं घर में, ठीक है, सब लोग बस वही ब्रेकफास्ट वगैरह करना, लंच वंच सब में लगे हुए, एंड अब सब लोग रेडी होना शुरू करेंगे बारात के लिए। सीधा हम आपसे मिलेंगे रेडी होने के बाद। फाइनली हम लोग दादा दादी के घर पहुंच चुके हैं, अब बस थोड़ी देर में चेंज करना स्टार्ट करेंगे। और ये है मेरे मामा जी। हेलो हाय, कैसे हो? हम चाय पी रहे हैं। हाँ जी, बारात की तैयारी कर रहे हैं। कैसे हो? बहुत अच्छे हैं, आप भी तैयार रहिए बारात के लिए। हाँ जी, तो बस अब चेंज करना स्टार्ट करते हैं, आपसे मिलते हैं चेंज करके, ठीक है? चलो जल्दी चेंज करते हैं। बोलो बोलो बोलो, ये है मेरे प्यारे से भैया बद्री भैया। ये देखो मम्मी पापा, मुझे दोनों का, दोनों मम्मी और बेटा मुझे बारात के लिए तैयार करने के लिए तैयार हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी बारात चलने को तैयार है। देख, हाय गाइस। दिव्या आपका नाम क्या है? दीपक। पूरा नाम क्या है? दीपा दीरबाद। और मेरा नाम क्या है? फेना। मेरा नाम क्या है? केट काजे मामा। हाँ तो पहले मम्मी का नाम क्यों लिया? फेना। नहीं, मम्मी का नाम क्यों लिया? कार्तिक मामा कहना था ना। कार्तिक मामा। सब लोग रेडी हो चुके हैं, इनसे तो मिल ही चुके हो, तो अभी बस भैया की फोटोज वगैरह हो रही है, थोड़े दादा दादी वगैरह की फोटोज, फिर निकलेंगे। यहाँ से हमें जाना है लोधी रोड, अगर ट्रैफिक ना हो तो 1 घंटे का रास्ता है, बाकी तो देखते हैं अब शाम को 6 बजे कितना ट्रैफिक मिलेगा।
और कंस्ट्रक्शन भी हो रही है रोड पे, तो बस जल्दी से निकलेंगे, आधे घंटे के अंदर निकलने का प्लान है यहाँ से। तो चलो आगे। हाँ भाई, सो हम लोग घर से सब लोग रेडी होके निकल चुके हैं, थोड़ा डांस वांस किया बाहर। अब बाकी जो रिलेटिव्स हैं वो बस में बैठ गए हैं, बाकी जो अपनी कार से जा रहे हैं वो लोग सब अपनी कार में हैं। थोड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है, ये थोड़ा जो स्ट्रेच है अगले 1-2 किलोमीटर का वो थोड़ा ट्रैफिक वाला है, तो यहाँ से निकल जाएंगे तो अच्छा रास्ता मिलेगा। तो प्रॉब्ली हमें 45-50 मिनट्स में पहुँच जाना चाहिए हमारी लोकेशन पर, जो कि है लोधी रोड में। तो चलो, आज कृति दीदी तो एक्चुअल में मैं बोलता नहीं हूँ बट आज सुंदर लग रही है, ठीक है। और मैंने तो देख ही लिया आपने मेरा आउटफिट, और ये है मम्मा का आउटफिट, कुछ ग्रीन कलर का। क्या है मम्मी आपकी ड्रेस एक बार बता दूँ? एंड डैड ने पहना है ब्लेजर और शर्ट, फिलहाल ये है डैड का ब्लेजर। तो चलो बस इस जाम वाले स्ट्रेच से निकलते हैं, फिर मस्त गाने सुनते हुए वाइब करते हुए चलेंगे, ठीक है। Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. So finally हम लोग पहुंच गए हमारी लोकेशन पे। बहुत ठंड हो रही है भाई, मुंह से फॉग निकल रहा है लेजिट। तो क्या हम कर दे रहे हैं, हमें ऑपोजिट साइड पार्क करना था बराबर के, तो चलो अब करते हैं जगह चेंज। बट हाँ, टेक्निकली पहुँच गए, आगे चल के आपसे मिलते हैं। बरात थोड़ी लेट हो गई है, बस तो जाम में फंसी थी, तो थोड़ी देर में बरात स्टार्ट होगी, फिर डांस करेंगे। ब्रो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी जी। रात के 11:30 हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, डांस किया बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत स्नैक्स खाया, बस अब डिनर करेंगे थोड़ी देर में। माला वगैरह सब हो गई है, बहुत अच्छा इवेंट चल रहा है अभी तक, एंड लकीली आज बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, तो देखो सब अच्छा जाता है भगवान की कृपा से। और घर जाके कल मज़े करेंगे, कल भी रिसेप्शन है, कल भी अच्छे से डांस करेंगे, मज़ा आएगा। भाई शादी का फंक्शन ख़त्म हो गया है, बस विदाई चल रही है, थक चुके हैं बहुत गंदी तरीके से। और मेरे कज़न को था कि भाई जब घर में एंट्री हो जाएगी, पूजा वगैरह हो जाएगी एंट्रेंस वाली, जब वो रूम एंटर करेंगे उन्हें रेड वेलवेट केक काटना है। और रात के 4 बजे गए थे हम लोग वंश केक लेने, और हम 4:45 वापस आए हैं, 2:24/7 गए, इतना घूमा एक केक नहीं मिला, फिर उसके बाद इतनी मुश्किल से मिले, दूसरे 24/7 में लकीली मिल गया था, फिर लेकर आए। भाई बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बस निकलेंगे यहाँ से अगले 15-20 मिनट में, फिर घर जाएंगे दादाजी के, देन घर जाके व्लॉग एंड करके अच्छे से सोएंगे। बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा फंक्शन रहा, वो कैसा लगा? बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया था। और थक गए यार। वो तो है। किड्डो आपको कैसा लगा? मैं तो बहुत ज़्यादा जो डांस करके मज़ा आया ना वंश आज बारात में, उसी से थके उससे, पर मज़ा तो उसी में आता है। सही है, तो चलो अब आपसे रास्ते में मिलेंगे, अभी थोड़ा रेस्ट करूँ दो 15 मिनट तक गाड़ी चल रही। सो फाइनली हम लोग वेन्यू से वापस आ चुके हैं घर पे, यहाँ तो बहुत ही कम लोग हैं, बाकी सब लोग आ रहे हैं पीछे रूम्स वगैरह में। तो भाई कैसा रहा इवेंट? बढ़िया रहा, था। अब बस भैया भाभी पहुँचने वाले हैं,
फिर उनकी एंट्री होगी एंड देन पूजा वगैरह करेंगे तो ये है मेरी ये है मेरी दादी की मम्मी और दादी आप भी आ जाओ अम्मा ये मेरी दादी है ये दादी की अम्मा शादी के बाद मैं आ गया था अपनी बुआ के घर पे, यहाँ पे अच्छे से सोए, रेस्ट किया, मैंने लंच वगैरह किया, अब जा रहे हैं वापस दादाजी के घर पे। मैं तो वहीं पे चेंज करूँगा बट भैया तो रेडी हो चुके हैं तो बस 5-10 मिनट में यहाँ से निकलेंगे तो 6:30 तक घर पहुँच जाएंगे। अभी अराउंड 5:45 हो रहे हैं, चलो लेट्स गो। फाइनली सब लोग रेडी हो चुके हैं फॉर रिसेप्शन पार्टी, मैं दादाजी के घर पहुँच गया था तो अब हम लोग सब जा रहे हैं टूवर्ड्स द वेन्यू। घर से 5 मिनट्स की वॉक पे है तो चलो चलते हैं, आज भी बहुत डांस करेंगे, मज़े करेंगे अच्छे से, चलो चलते हैं। भाई इसके बाद हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था दादाजी के घर जाके एंड देन फिर मैं घर आया हूँ एंड आपने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया होगा आज है मेरा बर्थडे तो मस्त सेलिब्रेशन करेंगे। आज आई एम नॉट प्लानिंग टू रिकॉर्ड अ ब्लॉग बट थोड़ी बहुत